नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा 11। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन रहने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, जो आप देख रहे थे। कंटिन्यू आपको एक क्लास देखने को मिलती है हिस्ट्री की सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 11, जो स्टार्ट होगा बहलोल लोधी के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो जाता है बहलोल लोधी से, मतलब यहां से हमारा कौन सा वंश स्टार्ट हो जाएगा, यहां से लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले आपको यहां पर लिख रखे हैं, सबसे पहले उनको हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सारे के सारे देख लिए हैं। ठीक है, पहले वाले वंश तो बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। अगर बात करते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह हो जाता है कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद था। यही बात करते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भाई? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, अगर यही बात करें अंतिम शासक कौन हो जाता है खिलजी वंश का, तो वह हो जाता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाता है अंतिम शासक। यही बात करें तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है, तो हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक की बात करते हैं, वह हो जाता है नसरुद्दीन, ये वाला है नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाता है अंतिम। बात करें सैयद वंश का प्रथम शासक, जो सिर्फ एमसीक्यू में ही आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पर सैयद वंश नहीं पढ़ना है। ठीक है, सैयद वंश नहीं पढ़ना है, इसमें नहीं दे रखा है नोट्स में। ठीक है, तो बात करते हैं सिर्फ एमसीक्यू आपसे बनेगा, सैयद वंश से बनेगा तब। तो सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है खिज खां। बिल्कुल आपको याद रखना है, सैयद वंश का प्रथम शासक हो जाता है खिज खां। उसका जो अंतिम शासक था वो था आलम शाह। कौन था भाई? वह हो जाता है आलम शाह। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से याद रखना है। अब बढ़ते हैं खिलजी वंश की ओर। ठीक है, तो जो आज का क्वेश्चन रहने वाला है वो हो जाएगा बहलोल लोधी के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए, या इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सुल्तान बहलोल लोधी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी गृह नीति का वर्णन कीजिए, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बहलोल लोधी की उपाधियों का वर्णन कीजिए, जो उसे उपाधियां दी गई थी। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको पता ही है, हर बार में बताता हूं, बॉक्स में जो भी आपको लोधी वंश के बारे में पता है, प्रथम अंतिम, ठीक है, प्रथम शासक कौन था, या फिर कह सकते हैं जो इसका प्रसिद्ध शासक हो जाता है इसमें, ठीक है, उसका नाम लिख दो कि लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है, और अंतिम शासक, ये तीनों के नाम तो आपको लिखना है बॉक्स में। सबसे पहले उत्तर डालेंगे, उत्तर डालने के बाद एक बॉक्स बनाना है। अगर लोधी वंश है, लोधी वंश से कोई भी आपको फैक्ट पता है कि इनका जन्म कहां हुआ था, इनके पिताजी कौन थे, सारा की सारा इस बॉक्स में आपको लिख देना है, जितना आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद ही आपको क्या है, आगे थ्योरी को लिखना है। तो बढ़ते हैं थ्योरी की ओर अपने, तो बात करते हैं उत्तर दे रखा है, क्या दे रखा है, उत्तर प्रारंभिक जीवन देखेंगे किसका, बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का प्रथम शासक था। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वह हो जाता है बहलोल लोधी। ठीक है, कौन था? बहलोल लोधी था। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक हो जाता है इब्राहिम लोधी। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको बॉक्स में लिखना है। प्रसिद्ध शासक कौन था वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, सिकंदर लोधी था प्रसिद्ध शासक। अगर सिकंदर प्रसिद्ध की बात करें कि प्रसिद्ध शासक कौन था लोधी वंश का, तो वह हो जाता है सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, जिसे सिकंदर लोधी, है ना, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, अगर प्रथम पूछ ले बहलोल लोधी, प्रसिद्ध पूछ ले
सिकंदर लोदी, अंतिम इब्राहिम लोदी, ये आपको बॉक्स में लिखना है ठीक है। और बाकी जो इब्राहिम लोदी को आपको पता हो वो आप बॉक्स में लिख सकते हो, जितना भी आपको पता है लोदी वंश से वो आप उस बॉक्स में लिख सकते हो ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज स्कोप है अनुमान निकालने और आपको अंक अच्छे मिले। आगे देखते हैं प्रारंभिक जीवन देखेंगे बहलोल लोदी का ठीक है, लोदी वंश के प्रथम शासक का। दिल्ली के पठान राज्य कहां से, दिल्ली के पठान राज्य ध्यान रखना, दिल्ली के पठान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी अफगानिस्तान के, कहां से, दिल्ली के पठान राज्य का संस्थापक किसका, पठान राज्य का, ध्यान रखना पूछ ले कि दिल्ली राज्य के पठान राज्य का संस्थापक कौन था, तो वह हो जाता है बहलोल लोदी, कौन था भाई, बहलोल लोदी हो जाता है पठान राज्य का संस्थापक ठीक है। अफगानिस्तान के गिलजोई, गिलजोई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा लोदी के शाहूर बेल नामक कुटुंब में उत्पन्न हुआ था। देखो ये कहां उत्पन्न हुआ था, अफगानिस्तान में, जो गिलजोई था एक कबीला का नाम था गिलजोई, ध्यान रखना एक कबीले का नाम था क्या, गिलजोई, उस कबीले के एक महत्वपूर्ण शाखा थी जो उसे कहते थे लोदी, क्या कहते थे, लोदी के शाहूर बेल नामक कुटुंब में हुआ था ठीक है। तो इस प्रकार से याद क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो लोदी वंश है वो किस कबीले का एक शाखा है, तो ध्यान रखना वो कबीले का नाम हो जाता है गिलजोई कबीला, कौन सा, गिलजोई कबीला, ध्यान रखना लोदी जो वंश है वो किस शाखा का अंग है, किसका, किसकी शाखा है, सॉरी किसकी शाखा है, तो वह हो जाती है कौन, गिलजोई कबीले की एक महत्वपूर्ण शाखा हो जाती है ठीक है, वहां से लिया गया है, उत्पन्न हुआ था। उसका दादा किसका, बहलोल लोदी का, ध्यान रखना बहलोल लोदी का दादा मलिक बहराम फिरोज तुगलक, कौन था, मलिक बहराम फिरोज तुगलक जो था, फिरोज तुगलक की यहां पर बात हो रही है ठीक है, उसका दादा कौन था, मलिक बहराम फिरोज तुगलक के समय में सुल्तान में, मुल्तान में आकर बस गया था, कहां पर, मुल्तान में आकर बस गया था, उसके दादा के समय की बात यहां पर हो रही है ठीक है, बस गया था, और उस प्रांत के सूबेदार मलिक मदीन के यहां नौकरी कर ली थी, कहां पर, जो मलिक मदीन था उसके यहां पर नौकरी किसने कर ली थी, बहलोल लोदी के दादा कौन, फिरोज तुगलक ने, किसने, फिरोज तुगलक ने। उसके पांच पुत्र थे, किसके थे भाई, फिरोज तुगलक, तुगलक के कौन, बहराम फिरोज तुगलक, ध्यान रखना फिरोज तुगलक वो नहीं है, यहां पर बहराम फिरोज तुगलक की बात हो रही है, जो बहराम फिरोज तुगलक था किसका दादा, बहलोल लोदी का, उसने कहां पर, उसने मुल्तान में एक मलिक मदीन, कहां पर, मलिक मदीन के यहां नौकरी कर ली थी। उनके कितने पुत्र हुए, पांच पुत्र थे, जिनमें मलिक मुल्तान शाह और मलिक काला नामक, ध्यान रखना मलिक काला नामक दो ने कुछ ख्याति प्राप्त कर ली थी, दो ही ने ख्याति प्राप्त की थी, एक था मलिक मुल्तान शाह, किसका, बहलोल लोदी का चाचा कह सकते हैं ठीक है, या ताऊ भी कह सकते हैं, और एक था मलिक काला नामक ठीक है, मलिक काला जो था वो कौन था, बहलोल लोदी का पिता था यही ठीक है, ध्यान रखना बहलोल लोदी का अगर पिता कर लो ठीक है, बहलोल लोदी की पिता की बात करें तो वह हो जाता है मलिक काला, कौन था, मलिक काला, ध्यान रखना मलिक काला कौन हो जाता है, ये हो जाता है बहलोल लोदी का पिता। तो मलिक काला नाम दो ने कुछ ख्याति प्राप्त कर ली थी, बहलोल लोदी मलिक काला का पुत्र था है ना, जो बहलोल लोदी था वो किसका, मलिक काला का पुत्र था, जो जसरथ खोकर को हटाकर स्वतंत्र सरदार बैठा था, ध्यान रखना बन बैठा था किसको, जो जसरथ खोकर को हटाकर कह सकते हैं मारकर स्वतंत्र सरदार बन चुका था, कौन, बहलोल लोदी का पिता काला, कौन, मलिक काला ठीक है। बात करते हैं बहलोल लोदी के चाचा, चाचा है ठीक है, कौन है, चाचा है सुल्तान शाह ठीक है, सुल्तान शाह को खिरज खान ने 1914 ईस्वी में सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था, किसने, खिरज खान ने, और खिरज खान कौन है, वही है सैयद वंश का प्रथम शासक, ध्यान रखना इससे पहले का जो शासक था उसके चाचा के लिए
सुल्तान शाह के लिए क्या किया था खिरज खाने सैयद वंश के प्रथम शासक ने 1419 ईस्वी में सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था। कहां का? सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था और जो इस्लाम खां की उपाधि प्रदान की थी। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इस्लाम खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो वह की गई थी सुल्तान कौन था, सुल्तान शाह को। हाँ बिल्कुल, सुल्तान शाह को, जो किसका चाचा था, बहलोल लोदी का चाचा हुआ करता था। बात करते हैं, उसे पंजाब के अफगानों को अपने नेतृत्व में संगठित करने में पर्याप्त सफलता मिली। इसको पंजाब के अफगानों को अपने नेतृत्व में अपनी ओर लाने में पर्याप्त सफलता मिली। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्र कुतुब खां को छोड़कर किसने, ध्यान रखना किसने, सुल्तान शाह ने अपने पुत्र, जो उसका पुत्र था कुतुब खां, जो सुल्तान खां था बहलोल लोदी का चाचा, उसका एक पुत्र हुआ करता था कौन, कुतुब खां। कुतुब खां को छोड़कर बहलोल लोदी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कुतुब खां को छोड़कर अपने भाई के बेटे बहलोल लोदी को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के उपरांत बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार नियुक्त हो गया। कहां का? सरहिंद का सूबेदार नियुक्त हो गया। बाद में उसे लाहौर को भी अपनी सूबेदारी में सम्मिलित करने की आज्ञा मिल गई। वह चतुर और महत्वाकांक्षी था। ध्यान रखना, जो बहलोल लोदी था वो कैसा था, चतुर और महत्वाकांक्षी था। इसीलिए उसने अपनी सेना की संख्या बढ़ाई और शीघ्र ही सैयद राज्य में प्रथम श्रेणी का सूबेदार बन गया। ये सूबेदार था कहां का, सैयद वंश का। ध्यान रखना, सैयद वंश का अगर पूछ ले कि बहलोल लोदी कौन था, तो वह हो जाता है सूबेदार। कौन? सूबेदार बन गया। जब मालवा के महत्वपूर्ण मालवा के महमूद खिलजी ने दिल्ली को आक्रांत किया, तो बहलोल लोदी शीघ्र ही अपने स्वामी मोहम्मद शाह की सहायता के लिए पहुंचा। कौन? बहलोल लोदी जो था कहां पहुंचा, जो मोहम्मद शाह था उसका चाचा, उसकी सहायता के लिए कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंच गया। कौन? बहलोल लोदी। क्योंकि बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह ने किसको, बहलोल लोदी को कहां का सूबेदार नियुक्त किया था, यह तुम आपको पता ही है ना, पता है ना आपको, बिल्कुल आपको ऊपर दे रखा है कहां का, सरहिंद का। बिल्कुल, सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था किसने, बहलोल लोदी ने। किसके लिए, इसको यहां दे रखा है बहलोल लोदी को, है ना, लोदी वंश पढ़ रहे हैं। प्रथम शासक कौन था, बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने कहां का, सरहिंद का सूबेदार नियुक्त किया था। जब दिल्ली पर महमूद खिलजी ने, किसने, महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब कौन पहुंचा, बहलोल लोदी सरहिंद का सूबेदार था, वो कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा मोहम्मद शाह की सहायता करने के लिए। समझ में आया ना, कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा मोहम्मद शाह की सहायता करने के लिए। इस सेवा के पुरस्कार स्वरूप उसे खाने खां की उपाधि मिली। जब यहां पर वह जीत गया तो उसे क्या दी गई उपाधि, खाने खां की उपाधि दी गई। तो ध्यान रखना, खाने जहां की उपाधि किसे दी गई थी, तो वह दी गई थी बहलोल लोदी के लिए। कब? जब मोहम्मद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और ये अपने चाचा महमूद शाह की सहायता करने के लिए दिल्ली पहुंचा था, ठीक है, तब इसे किसकी उपाधि मिली, खाने जहां की उपाधि मिली थी। किंतु इस अफगान नेता को एक प्रांत की सूबेदारी से संतोष नहीं था। भाई सिर्फ सरहिंद ही नहीं संभालेंगे, हम तो कुछ और भी संभालेंगे। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने की उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं दिल्ली पर बैठूंगा जहां पर कौन बैठा है, मेरा चाचा महमूद शाह, ठीक है। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने मंत्री हमीद से झगड़ा कर दिया और उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया, तब बहलोल लोदी को अपनी अभिलाषा पूरी करने का अवसर मिल गया। फिर क्या मिला भाई, अवसर मिल गया कि भाई अब तो दिल्ली गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है, अवसर मिल गया, ठीक है। क्रोध के आवेश में आकर जो हामिद था, कौन था, हामिद था, हामिद ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया।
जो हामिद था, हामिद ने, क्योंकि यहां पर जो आलम शाह था, आलम शाह जो था खिलजी वंश का लास्ट शासक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखा है, देखो अलाउद्दीन आलम शाह, मैंने आपको सिर्फ आलम शाह पढ़ाया है, ठीक है, याद आप आलम शाह रख लोगे तो बिल्कुल याद रहेगा कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। तो याद रखना अलाउद्दीन आलम शाह इसका पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने मंत्री हामिद से झगड़ा कर लिया, जो खिलजी वंश, सैयद वंश का अंतिम शासक था, कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपने मंत्री किससे, हमीद, उसका एक मंत्री हुआ करता था, कौन, हमीद, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसका एक मंत्री हुआ करता था, उसका नाम था हमीद। हमीद से आलम शाह ने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया, कहां पर, दिल्ली में। अब किसको अवसर मिल गया, अवसर मिला बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को किसने बुला लिया भाई, दिल्ली, दिल्ली बुला लिया हामिद ने, जो किसका मंत्री हुआ करता था, अलाउद्दीन आलम शाह का, ठीक है भाई, बिल्कुल। और शाह सेना का भार अपने ऊपर लेने को कहा, सारा भार जो था उसने कहा, जो सारा भार है आपका सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह का, वो सारा भार किसे दो, हमारे लिए दे दो। सुल्तान पहले से ही बदायूं को भाग गया था, इसीलिए दरबार की शक्ति अफगान नेता ने हस्तांतरण कर ली। जो अफगान नेता था उसने क्या कर ली भाई, फिर हस्तांतरण कर ली। अब देखते हैं सिंहासना रोहण, कौन सा, सिंहासना रोहण, सिंहासन को लेना, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देख ली, वो दरबार तक तो पहुंच गया, कहां तक, दरबार तक तो पहुंच गया, और सारा जो कह सकते हैं सेना का जो भार था वो भी किसने संभाल लिया भाई, बहलोल लोदी ने यहां पर संभाल लिया आकर, ठीक है। अब देखेंगे सिंहासनारोहण किसका, बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी संपूर्ण प्रभुत्व का आकांक्षी था, इसीलिए वजीर हामिद जो आलम शाह का मंत्री हुआ करता था को वह राजशक्ति में भाग नहीं देना चाहता था, जो राजशक्ति है उसमें भाग नहीं देना चाहता था, किंतु शासन संचालन का कार्य भी बूढ़े मंत्री के हाथों में था, अतः खुले रूप से उसने झगड़ा करने में बहलोल लोदी के लिए संकट हो सकता था, कि अगर हम खुला विरोध करेंगे, खुला झगड़ा करेंगे तो क्या होगा, संकट हो सकता है, तो इसलिए उसने क्या किया, आगे हम देखते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति लोलुपता को तृप्त कह सकते हैं, जो उसकी कमजोरी हुआ करती थी कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है, शक्ति लोलुपता को तृप्त करने के लिए चालाक अफगान से दांव पेच से काम लिया, है ना, फिर क्या करेंगे, दांव पेच अपनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दांव पेच अपनाया, क्योंकि वहां पर बूढ़े मंत्री थे, ठीक है, बूढ़े मंत्री कह सकते हैं, मतलब समृद्ध, है ना, समृद्ध मंत्री थे, और कह सकते हैं वहां पर जो वजीर था वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, दिमाग से काम लिया, वही यहां पर दे रखा है। उसने अपने अनुयायियों को, जिसमें 100% अफगान थे, जो उसके अनुयायी थे 100% अफगान, क्योंकि अफगान का था तो अफगान ही होने चाहिए थे, तो 100% अफगान थे, हमीद ने सम्मुख अनाड़ियों जैसे वार्तालाप करने की सलाह दी, है ना, कैसे, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि बात क्या हो रही है यहां पर देख सकते हो आप, है ना, बात यह हो रही है कि 100% कैसे थे, अफगान थे, कहां पर, अन्नाइयों को, उसने अन्नाइयों को किसको लिया, जो कि जो 100% अफगान थे, मतलब खुद के ही लोग थे जहां से ये आया था, हमीद के सम्मुख, किसके, हमीद जो मंत्री था आलम शाह के, वहां के सम्मुख, मतलब उसके सामने अनाड़ियों के साथ वार्तालाप करने की सलाह दी, कि भाई आप हामिद के पास जाओगे तो अनाड़ियों की तरह क्या करोगे, व्यवहार करोगे। बहलोल लोदी ने स्वयं हामिद खां के प्रति अत्यंत सावधानी पूर्वक नम्रता और चटुकारिता, है ना, चटुकारिता कह सकते हैं, चालाकी, चटुकारिता, भ्रांत भावों का प्रदर्शन किया, चालाकी और नम्रता का क्या किया, प्रदर्शन किया, इस प्रकार से भी यहां पर लिख सकते हैं। उसने उसे विश्वास दिला दिया कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और मैं सेनापति के पद पर से ही संतुष्ट हूं, मैं सेनापति के पद पर ही संतुष्ट हूं, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है राज्य को लेने की या सुल्तान बनने की। फिर देखा है उसकी इन बातों और अफगान
सैनिकों के नाड़ियों, सॉरी अफगान सैनिकों के अनाड़ियों, है ना, अनाड़ियों का व्यवहार कर रहा था, नम्रता और चालाकी का, ठीक है, अनाड़ियों जैसा आचरण के कारण जो हामिद खां था झांसे में आ गया। हामिद खां ने ही इसे बुलाया था, हामिद खां ने ही इसे बुलाया था, मगर इसके बारे में ये नहीं जानता था। कौन आ गया झांसे में? हामिद खां आ गया, आलम शाह का मंत्री, और उसने बहलोल लोदी तथा उसके अनुयायियों को प्रतिदिन खुले दरबार गृह में आने की आज्ञा दे दी कि भाई आप कैसे आइएगा, खुले दरबार में आप आ सकते हैं, ठीक है, आज्ञा दे दी। एक दिन अपने अनुयायियों के साथ बहलोल लोदी वजीर का अभिवादन करने गया, वजीर का अभिवादन करने गया, ठीक है। फिर देखो मुलाकात के समय बहलोल, देखो मुलाकात के समय बहलोल के चचेरे भाई कुतुब खां, जो किसका था कह सकते हो ना, ऊपर हमने देखा था इसके चाचा का बेटा, किसका, इसके चाचा का बेटा चचेरा भाई कुतुब खां ने जंजीरें निकाल कर प्रधानमंत्री के हाथों में, भाई चारों हाथ पैर कह सकते हैं, ठीक है, हाथों के चारों ओर कस दी, हाथ और पैर पूरा उन्हें क्या कर दिया, जंजीरों से जकड़ लिया, ठीक है, किसने, बहलोल लोदी के चचेरे भाई ने, और कहा कि राज्य की भलाई इसी में है कि आप कुछ दिन विश्राम कर लें। हामिद के हृदय को आघात पहुंचा और उसने इस विवादघात पूर्व आचरण का कारण जानना चाहा। कुतुब खां ने उत्तर दिया कि अफगानों को आप में विश्वास नहीं है, जो अफगान हैं आपके यहां पर रहते हैं इनको आप में विश्वास अब नहीं रहा, और आपने अपने स्वामी के प्रति द्रोह किया था, आपने भी क्या किया था, अपने स्वामी के प्रति क्या किया था, द्रोह किया था, धोखा दिया था, वजीर को कारागार में डालने के उपरांत बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली लौटने के लिए लिखा, कहां पर, दिल्ली लौटने को लिखा, किंतु भीरू सैयद मुल्तान को डर था, जो भीरू सैयद मुल्तान था उसको डर था कि दिल्ली में मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। अलाउद्दीन आलम शाह को ही क्या कहते हैं, ध्यान रखना, भीरू सैयद मुल्तान, कौन, भीरू सैयद मुल्तान भी से कहा जाता है, अगर ना याद रखो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली क्या करना, आलम शाह याद रखना। आलम शाह को दिल्ली लौटने को कहा बहलोल लोदी ने, मगर उसे डर था कि मेरे मंत्री को क्या कर लिया इन्होंने, भाई बंदी बना लिया है ना, तो मेरे जीवन को भी क्या होगा भाई, संकट होगा, ठीक है, पड़ जाएगा, इसीलिए उसने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और उत्तर दिया कि मेरे पिता आपको अपना पुत्र कहकर पुकारा करते थे, इसीलिए आप मेरे बड़े भाई के सदृढ़ हैं। वास्तव में बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन के हृदय से आमंत्रित नहीं किया था, बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन को अपने हृदय से आमंत्रित नहीं किया था। अब उसने 19 अप्रैल 1451 को अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपने नाम खुतबा पढ़वाया, खतबा या खुतबा जो भी कह सकते हैं, यहां पर खुतबा दे रखा है, खुतबा पढ़वाया, ठीक है। तो यहां पर हम कहां तक पहुंच गए भाई, उसके बारे में जो उसका राज्य अभिषेक हुआ है वहां तक यहां पर पहुंच चुके हैं, अच्छी प्रकार से हमने देखा है, हाँ इतना पता है, ध्यान से आप सुन लोगे तो बिल्कुल आप आराम से इसे लिख आओगे, ठीक है। हेडिंग भी ध्यान रखना है आपके लिए, हेडिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं गृह नीति के बारे में, किसकी, इब्राहिम लोदी के गृह नीति के बारे में, सॉरी बहलोल लोदी, प्रधानता तक बहलोल लोदी है ना, बहलोल लोदी करने पड़ रहे हैं, बहलोल लोदी की गृह नीति के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं, बहलोल चतुर राजनीतिज्ञ था, हमने देखा ही है ना, पढ़ा है इसके बारे में, कितना नॉलेज हो ही गया कि कैसा था, चतुर राजनीतिज्ञ था और अपनी स्थिति की दुर्बलताओं को भली भांति समझता था, अपनी शक्ति पूर्णता उसके अफगान अनुयायियों पर निर्भर थी, जितने जो अफगानी थे उन पर ही उसकी शक्ति क्या थी, निर्भर थी, इसीलिए उसने उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने ऐसा व्यवहार किया था कि मानो वह अफगान अमीरों में से एक है, जो अफगान अमीर थे आए हुए उनमें से एक है, ऐसा व्यवहार करता था, घर की तरह,
वह सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि उसके सामने एक कालीन पर बैठता था। वह सिंहासन पर नहीं बैठता था, कहां पर? कालीन बिछा कर बैठता था और अमीरों को भी उस पर अपने साथ बैठाता था। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने खुले हाथ भेंट पुरस्कार आदि बांटकर सेना का विश्वास पात्र बनने का प्रयत्न किया था। अपने मूल स्थान से उसने अफगानों को आमंत्रित किया, उन्हें बड़े बड़े भूभाग जागीरों के रूप में प्रदान किए और अपने कबीले के प्रमुख व्यक्तियों को पदोन्नति का उसने वचन दिया। उसने जो अपने कबीले के हुआ करते थे, अफगान हुआ करते थे, उनको क्या किया भाई, वहां पर पदोन्नति दी, ऊंचे ऊंचे पदों पर, ठीक है, और उनको वचन दिलाया, कह सकते हैं शपथ दिलाई। ठीक है, बात करते हैं आगे। राज्य में आंतरिक व्यवस्था स्थापित करने तथा उसे अमीरों और सूबेदारों को दंड देने के लिए उन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। बहलोल ने कठोर सैनिक बाध नीति का अनुसरण करने का निर्णय किया। कैसे? कठोर सैनिक बाध। अगर आप सैनिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई क्या करता है, कह सकते हैं कि विश्वासघात करता है, तो उसको कैसा मिलेगा? कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया। विद्रोही सूबेदार को आंतकित करने, किसको? विद्रोही सूबेदार, जो विद्रोही सूबेदार होते हैं उनको आंतकित करने के उद्देश्य से वह अनेक बार आसपास के जिलों में स्वयं सेना लेकर गया। कहां पर? आसपास के जिले होते हैं उनमें स्वयं सेना लेकर जाता था और प्रशिक्षण करता था कि हमारे जो सूबेदार हैं वो सही हैं या फिर राजद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने अहमद खामीबाती पर आक्रमण किया। जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो किया था अहमद खां मेवाती पर। ठीक है, जो मेवात नामक प्रदेश का शासन करता था जिसमें आधुनिक गढ़वाल और अलवर के जिले, भरतपुर और आगरा जिलों के कुछ भाग सम्मिलित थे। भयभीत होकर जो अहमद खां था वो समर्पण कर दिया। भयभीत होकर बहलोल लोदी से क्या कर दिया? अहमद खां ने समर्पण कर दिया। सुल्तान ने उसके 6 जिले छीनकर दिल्ली में मिला लिए। अहमद खां से कितने छीन लिए भाई? 6 जिले छीन लिए और कहां मिला लिए भाई? दिल्ली सल्तनत में मिला लिए। उसके उपरांत सुल्तान ने संभल में कौन थे भाई? संभल में थे दरिया खां। कौन थे? संभल में थे दरिया खां। फिर दरिया खां के विरुद्ध भी कूच किया, किंतु उसके पूर्व द्रोहपूर्ण आचरण के बावजूद बहलोल लोदी ने उसके साथ उदारता की वार्ता दिया। जो उदारतावाद होती है, मतलब उदारता, ठीक है, उदारता का वार्ता किया। फिर देखा है दरिया खां ने समर्पण कर दिया और उसके भी साथ परगने छीन लिए। वहां पर छीने 6 किसके? दरिया खां के। फिर यहां पर छीन लिए भाई कितने? 7 छीन लिए, है ना। यहां पर कितने छीन लिए? 7 परगने छीन लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बहलोल लोदी ने कोयल या आधुनिक अलीगढ़ जो कहते हैं, है ना, पहले से कोयल कहते थे, आधुनिक में जो अलीगढ़ है इसके लिए अलीगढ़ को कोयल कहा जाता था। ठीक है, अलीगढ़ के जो ईशा खां थे, कौन थे? ईशा खां का दमन किया, किंतु उसके प्रदेश उसके अधिकार में ही रहने दिए। सटीक के सूबेदार, कहां के? सकीट के सूबेदारों मुबारक खां और मैनपुरी तथा भोगांव के राजा प्रताप सिंह को भी उसने अधिकृत प्रदेशों के स्थायी कर दिया था। इसके उपरांत बहलोल लोदी ने हुसैन खां अफगान के पुत्र कुतुब खां पर आक्रमण किया। अंत में उसने भी बाध्य होकर दिल्ली का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया और सुल्तान को, ठीक है थोड़ा सा, और सुल्तान को, किसको भाई? और सुल्तान को, बात करते हैं कहां पहुंच गए, रुकिएगा, कर लिया। और सुल्तान को सिजदा किया। और सुल्तान को क्या किया इसने? सिजदा किया। ठीक है, इसलिए रेवाड़ी के जागीर उसके हाथों में रहने दिया कि भाई आप जागीर ही रखो। ठीक है, दुआब से
राजस्व वसूल करके वह बहलोल लोदी को कुछ कठिनाई हुई। कहां से? दुआब से। गंगा और यमुना का जो बीच का मैदान होता है उसे कहते हैं दुआब। दुआब से राजस्व वसूल करने में बहलोल लोदी को कुछ कठिनाइयां हुई। अंत में वह इटावा, चंदाबर तथा अन्य जिलों में व्यवस्था कायम करने में सफल हुआ। मुल्तान और सरहिंद में भी कुछ उपद्रव हुए किंतु उन्हें भी दाब दिया गया, क्योंकि सरहिंद का ये था ही, ठीक है। इस प्रकार अपनी कठोर नीति के कारण सुल्तान की दिल्ली के छोटे से राज्य में व्यवस्था और अनुशासन स्थापित करने में सफलता मिली। छोटा सा राज्य था, उसमें इसे सफलता देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत बहलोल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के राजा मानसिंह को 80 लाख टका सुल्तान को भेंट करने पड़े। जब ग्वालियर के राजा मानसिंह पर बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था तो कितने 80 लाख टका सुल्तान को इन्होंने क्या किए थे भाई, भेंट की थी मुद्रा, ठीक है। बात करते हैं ग्वालियर से लौटते समय मार्ग में, बहलोल लोदी बीमार पड़ गया। जब ग्वालियर पर युद्ध किया, मानसिंह पर युद्ध किया, जैसे ही वहां से लौटा तो ये बीमार पड़ गया और जलाली के निकट जुलाई 1489 में इसका देहांत हो गया। क्या हो गया भाई, 1489 में क्या हो गया, इसका देहांत हो गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, किस कौन से युद्ध से लौटने के बाद बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी? तो वह हुई थी ग्वालियर के राजा मानसिंह के यहां से लौटते हुए, ठीक है। बात करते हैं बहलोल लोदी का मूल्यांकन, हम यहां पर देखते हैं क्या करते हैं, बहलोल लोदी का मूल्यांकन यहां पर देख लेते हैं। जीवन परिचय में देख ही लिया, ठीक है। तो बहलोल लोदी का मूल्यांकन, बहलोल लोदी एक वीर एवं निर्भीक योद्धा और सफल सेनानायक था। कैसा था? बहलोल लोदी एक वीर निर्भय योद्धा और सफल सेनानायक था, क्योंकि सेनापति था, है ना। सरहिंद का कहां का था? पहले ये सरहिंद का सेनापति बनाया गया था अपने चाचा के थ्रू, ठीक है। तो बात करते हैं, उसमें स्वास्थ्य संबंध बुद्धि, यथार्थ बाधता और बुद्धिमता पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी, इसलिए उसने अपने समय की संभावनाओं की भली भांति समझा और योग्यता तथा साधनों के अनुसार कार्य करने का संकल्प किया था इसने, ठीक है। क्योंकि तो ये समृद्ध था, कार्य किया। उसने दिल्ली सल्तनत के दक्षिण बंगाल, राजस्थान और मालवा आदि प्रांतों को जीतने का स्वयं स्वप्न नहीं देखा। किसको? देखो, उसने स्वप्न किसको नहीं देखा? दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत के दक्षिण, दिल्ली सल्तनत को तो हाई, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर तो इसका अधिकार था ही। किस किस पर? दक्षिण बंगाल, राजस्थान, मालवा आदि प्रांतों को जीतने का स्वप्न इसने नहीं देखा था, ज्यादा विस्तार करने का नहीं देखा, छोटे छोटे राज्य पर उन पे क्या किया था इसने, अधिकार किया। उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य दुआब, निकटवर्ती जिलों और जौनपुर पर दिल्ली का नियंत्रण पुनः स्थापित करना था। किस पर? दुआब के निकटवर्ती जिलों, जो दुआब होता है गंगा यमुना का मैदान बीच का, इसका, और जौनपुर पर तथा दिल्ली पर नियंत्रण पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य था। साधन व्यवस्था पुनः संगठित करने के लिए उसे समय नहीं मिला, किंतु सैनिक नेता और शासक दोनों के रूप में वह अपने उन सभी पूर्व अधिकारियों से कहीं अधिक योग्य था, जो पहले के हो जाते हैं गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद, ठीक है, उनसे क्या था, ये बहुत ही समृद्ध था, ठीक है, बहुत ही योग्य था उनसे। जो फिरोज की मृत्यु से लेकर अलाउद्दीन आलम शाह तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, वह भली भांति समझता था कि उसने, उसके अफगान अमीर और अनुयायी, जो अफगान से आया था, अफगान अमीर और अनुयायी जो जातीय एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उपभोग करते आए हैं, तुर्कों के प्रभुत्व संबंधी सिद्धांत की पुनः स्थापना सहन ना कर सकेंगे, क्योंकि अगर तुर्क फिर से आ गए तो यहां पर ये सहन ना कर सकेंगे, ठीक है, बहिद रखा यहां पर। इसीलिए बहलोल लोदी ने कभी भी सुल्तानों के हाव भाव नहीं दिखाए, किसके, सुल्तानों के कभी भी उन्होंने हाव भाव नहीं दिखाए, और उसने एक सार्वजनिक घोषणा की कि मैं अपने को केवल अमीरों का अमीर समझता हूं। क्या समझता हूं? सिर्फ अमीरों का अमीर समझता हूं, मैं कोई सुल्तान बनना नहीं चाहता हूं, ठीक है। बात करते हैं, इस लोदी सुल्तान का हृदय दयालु था,
कैसा था? जो बहलोल लोधी था, इसका जो हृदय था वो कैसा था? दयालु था। कहा जाता है कि उसने कभी किसी भिखारी अर्थात निर्दय व्यक्ति को अपने पाटक से निराश नहीं जाने दिया। स्त्रियों के प्रति उसने वीरोचित सम्मान की भावना थी। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह की बेगम उसके अधिकार में आ गई थी, किंतु उसने उसके साथ कहा कि हुसैन शाह की, पता है ना, हमने देखा था युद्ध, हुसैन शाह की बेगम जो थी उसके अधिकार में आ गई थी, किंतु उसने उसके साथ विशिष्ट आदर किया। ठीक है, कैसा किया? ऐसा क्या भाई, विशिष्ट आदर किया है ना, जो वहां के मतलब हुसैन शाह की पत्नी थी, बेगम थी, उसके साथ कैसा किया? एक विशिष्ट एवं आदरता का व्यवहार किया और शक्तिशाली राक्षसों के साथ उसे अपने पति के शक्तिशाली रक्षकों, ठीक है, रक्षकों नहीं होगा, रक्षकों, ठीक है, जो सेनापति वगैरह होते हैं, उनके थ्रो कहां पर, उसके पति के पास वापस भेज दिया। अपनी बुद्धि के अनुसार वह सम्मान दृष्टि से न्याय किया करता था। यद्यपि बहलोल स्वयं शिक्षित नहीं था, कैसा था ये, अनपढ़ था, एक शिक्षित नहीं था, ठीक है, बात करते हैं, किंतु वह विद्वान था, शिक्षित व्यक्तियों को संरक्षित दिया करता था। जो विद्वान हुआ करते थे, शिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे, उनको क्या करता था, संरक्षण दिया करता था, मतलब उन्हें रहने का स्थान, खाने पीने का स्थान सब कुछ दिया करता था। धर्म में उसका अनुराग था, किंतु अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के सिकंदर की भांति वह धर्मानंद नहीं था। उसका पुत्र कौन था? उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी सिकंदर, है ना, पुत्र सिकंदर की बात हम आगे करेंगे। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। इसके बाद कौन आते हैं? इसके पुत्र आते हैं सिकंदर लोधी। ठीक है, तो हमने बहलोल लोधी जो लोधी वंश का प्रथम शासक था उसको यहां पर हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से डिफाइन किया, आपको याद हो गया होगा सारा की सारा। ठीक है, देखो अगर आप एक बार से क्वेश्चन को अच्छे प्रकार देख लेते हो, ठीक है, सारा की सारा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से लिखना है, हेडिंग हमें क्या क्या डालना है ना। तो बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जिस किसी को नोट्स चाहिए, पट्टी यहां पर चल रही है, आपको साइट का नाम दिख जाएगा, है ना, www.paperhacker.in, तो वहां से जाके आप साइट से जाके सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, एप्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो चाहे आप वो डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहां पर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, अदरवाइज कोई भी एग्जाम है, लेखपाल है, यूपी पुलिस है, ठीक है, और आपका दिल्ली पुलिस है, सभी के लिए यहाँ पर आपको एक प्रकार से मटेरियल देखने को मिल जाता है। और कोई पॉलिटेक्निक है उसकी भी आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है, प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, www.paperhacker.in पे आपको मिल जाएंगे। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।